लॉकडाउन के हालात में लोगों के घर पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री पर लगी रोक अजमेर के कलेक्ट्रेट पर हंगामा का सबब बन गई। दरअसल पार्षदों का आरोप है कि अक्षय पात्र और जनता रसोई के माध्यम से बनने वाला खाना जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। ऐसी स्थिति में गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पार्षदों का कहना है कि यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहा है। उन्हें बगैर विश्वास में लिए सूची बनाने का कार्य सौंपा गया है जिसमें बड़ी खामियां हैं, जिसे लेकर पार्षदों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में पुलिस ने सभी महिला और पुरुष पार्षदों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं जानकारी मिलने पर विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बधेल, विधायक सुरेश रावत मौके पर पहुंचे और जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा से मुलाकात कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। भीड़ लगने लग गई। इस बात को जब जिला प्रशासन को रखना चाहा तो कलेक्टर ने उनसे बात नहीं करी, उनका फोन नहीं उठाया और एक दूसरे को टालते रहे और उस कारण से यह स्थिति बनी है कि आज सारे पार्षद यहाँ एकत्रित हुए। जिला कलेक्टर से बात करने आए थे लेकिन जिला कलेक्टर बात करने को तैयार नहीं है। यही विषय है, सिर्फ भोजन यदि वापस शुरू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि यह स्थिति वापस बन सकती है। मैं निश्चित रूप से मानती हूँ अजमेर की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसको दिल से महसूस करती हूँ और उस कारण से हमारे यहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं बढ़े हैं। लेकिन जिला प्रशासन है वो किसी तरह से भी संवेदनशील नहीं है।